बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे मेन्यू में है फ़हीता राइस। इस डिश की ऑथेंटिक रेसिपी तो नहीं होती है, इसको अपने टेस्ट के मुताबिक आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन ये एक हेल्दी ऑप्शन है और जल्दी बन जाती है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। साथ साथ हम सौते करते रहेंगे इसको। अब इसके अंदर चिकन क्यूब्स जाएंगे 200 ग्राम, नमक जाएगा 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून। अब इसको हमने अच्छा सा पका लेना है। चिकन को हमने फुली कुक कर लेना है। कुक करके हम पैन से निकाल लेंगे। ये देखें, चिकन ने अपने जूसेस रिलीज किए हैं ऑयल में। इसी के अंदर हम लोग ने वेजिटेबल्स पका लेनी है। आलू हैं 2 मीडियम साइज, गाजर 1 अदद, मटर 1/2 बोल। ये सब्जियां थोड़ी सा टाइम लेती हैं पकने में, इसलिए इनको पहले हमने पका लिया है। इनको हमने फुली कुक कर लेना है। इस मौके पे आपको फूल गोभी भी नज़र आ रही होगी, ये क्लिप मुझसे मिस हो गया, ये भी मैंने 1/2 बोल डाली थी। बंद गोभी ये भी 1/2 बोल डाली थी। हमने स्प्रिंग अनियन डाला है, वो भी 1/2 बोल है, और हमने शिमला मिर्च डाली है, वो भी 1/2 बोल है। यहाँ पे हरी मिर्च हम डाल देंगे, तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें, वो भी हमने डाल दी है। अब इसको हमने 2 से 3 मिनट हमने अच्छा सा इसको पका लेना है स्टीम में। अब हमने फ़हीता राइस रेडी करनी है, फ़हीता सॉस रेडी करनी है। चिली गार्लिक सॉस 1/2 बोल, सिरका 1/2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, ओस्टर सॉस 1 टेबल स्पून, वॉर्सरशायर सॉस 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। इसको हमने अच्छा सा मिला के साइड पे रख लेना है। ये सॉस हमारी रेडी हो गई है। देखें, ये सब्जियां बिल्कुल रेडी हो गई हैं। हमने इनको पैन से निकाल लेना है। इसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून। सारी सॉस हम इसके अंदर डाल देंगे, फ़हीता सॉस। अब इसके अंदर हमने वेजिटेबल जो पकी हुई थी वो डाल दी हैं। इसको अच्छा सा हम बिल्कुल मिला लेंगे। अब असेंबलिंग शुरू करते हैं। चावल उबालने तो सबको ही आते हैं। पहले हमने राइस लगाए हैं नीचे, इसके ऊपर मैंने तमाम वेजिटेबल्स लगा दी हैं। अच्छा से इसको ऊपर पोर कर दीजिए, इसके जूसेस चावलों में चले जाएंगे। अब हमने चिकन के जो चंक्स हमने बनाए थे, पकाए थे, वो डाल देंगे ऊपर। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार यमी से हमारे फ़हीता राइस रेडी हैं। खाइए और इन्जॉय कीजिए।